आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर पोता दुईता दुईते सब आपरे पास आया जन है डॉक्टर बन गया। आपने बहुत कि जो भी अपने जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं उन सभी को सीएलसी की तरफ ही मुख करना चाहिए। मेरी बच्ची मनीषा पालीवाल जो कि अभी जेएलएन में है, चौथे साल की स्टूडेंट है और आपके ही आशीर्वाद से उसको बहुत अच्छी रैंक मिली और दूसरे प्रयास के अंदर उसको जेएलएन मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ। आपका जो वातावरण है वास्तव में ही मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बहुत ही तारीफ़ काबिल है, संस्कार युक्त वातावरण है आपका। आपकी शुरुआत होती है भावभक्ति से, शुरू होती है आपकी संस्था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आपका हनुमान चालीसा चलता है, संस्कार की बातें होती है, बच्चों को बिल्कुल वेल ट्रेंड किया जाता है और रात्रिकालीन तो 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आप इन्हें अटेंशन देते हो बच्चों के ऊपर, उससे इस संस्था ने एक नया मुकाम हासिल किया है। जो मेरा जो व्यक्तिगत मैं कहूँगा अपने आप में कि जो सीएलसी यदि कोई जाना चाहे तो इस कारण से मैं मानता हूँ कि सीएलसी सबसे मजबूत संस्था है। वहाँ पर एक व्यक्तिगत अटेंशन दिया जाता है। बड़ी संस्थाएं जितनी भी है चाहे वो कोई भी रही होगी, मैं नाम नहीं बोलता उनका, लेकिन उनके अंदर व्यक्तिगत अटेंशन की कहीं कोई बात नहीं होती। यहाँ जिस बच्चे के ऊपर इनका मन हो जाता है कि ये बच्चा बहुत ही अच्छी रैंक निकालने वाला है तो उसके ऊपर ये पर्सनली अपना जो है गाइडेंस देते हैं और बिल्कुल उसको मतलब पॉजिटिव वे के अंदर अप करते हैं। तो मैं नवरत्न जी भाई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे बहुत ही मेरे बच्चे बच्ची को मोटिवेट किया और उस मुकाम तक पहुँचाया। मेरी एक बच्चा जो है वो IITian है, मनोज पालीवाल, जो अभी जो MTech किया है उसने और अभी उसका सिलेक्शन हो गया है और वो अभी बेंगलोर के अंदर सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर लगा है इंजीनियर। तो आप सभी के आशीर्वाद से ये संस्था जो अच्छा काम कर रही है, मैं तो सभी से यही निवेदन करूंगा कि जो भी अपने जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं उन सभी को सीएलसी की तरफ ही मुख करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर हॉस्टल की अच्छी फैसिलिटी है और व्यक्तिगत अटेंशन बच्चों के ऊपर होता है, ध्यान दिया जाता है, उसकी जो समस्याएं हैं उसको निराकरण किया जाता है। तो पालीवाल समाज के आज भी जो वर्तमान में है सीएलसी के अंदर 100 बच्चे जो है अभी काम कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं उसके अंदर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक मिनट आपके बात मित्रों को, वो गार्ड हाथ ऊपर करना जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं सीएलसी में। ये देखो यहाँ, हाँ ये देखो, ये तो इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बार इनका भी छोड़ दो प्लीज, अपनी बात कंटिन्यू रखें आप। मेरे छोटे भाई की बच्ची अभी पूजा है, वो अभी 12th के अंदर है सीएलसी के अंदर, तो वो कह रही थी कि मेरी कक्षा के अंदर 30 बच्चियाँ हैं, पालीवाल समाज की 30 बच्चियाँ मेरे साथ पढ़ती है और 70 बच्चे पढ़ते हैं लड़के। तो ये अपने आप में जो है रेणुका ने जो ये कारवां जोड़ा है ना उसी का ही परिणाम है। रेणुका ने जो एक बहुत ही बेहतरीन जो परिणाम दिया उसके बाद में जो कारवां शुरू हुआ और वो कारवां आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि पालीवाल समाज के अंदर 60-70 बच्चे डॉक्टर बन गए, जिसके अंदर सीएलसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नवरुद्दीन जी सर, श्रवण जी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, समाज का नाम रोशन किया। हमारे आप बता ही रहे हो दो रतन, सुनील जी पालीवाल, अनिल जी पालीवाल, वो तो मेरे तो मोटो रहे हैं, बहुत हीरो रहे हैं। मैंने उसी मुकाम से ही बच्चे को IIT के अंदर प्रवेश दिलाया सर। हाँ, साहब का आशीर्वाद है, श्री राम जी का।